हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ एक और बहुत ही बेहतरीन 2D नक्शा शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके डायमेंशंस हैं 20 बाय 34 फीट के और नॉर्थ और ईस्ट फेस इसके फ्रंट हैं और बाकी दो साइड्स पर हमारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन प्लानिंग की गई है इस नक्शे की। इसमें दो रूम्स हैं दोस्तों, एक किचन, एक टॉयलेट बाथ, एक डाइनिंग एरिया, छोटा सा लिविंग एरिया और स्टेयर्स एरिया वगैरह है। सबकी साइजेस और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग 2D और 3D नक्शे, घर की कॉस्ट एस्टिमेशंस और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो उसको जानने के लिए ज़रूरी होगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए टाइम बिना वेस्ट किए इस नक्शे की पूरी प्लानिंग के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों पहले आपको कहा, ये जो प्लॉट है हमारा, इसके डायमेंशंस हैं 20 बाय 34 फीट के, यानी कि इसकी चौड़ाई 20 फीट है और 34 फीट इसकी लंबाई है। इसके जो दोस्तों डायरेक्शंस हैं वो नॉर्थ और ईस्ट फेस के हैं, यानी कि नॉर्थ साइड पर और ईस्ट साइड पर हम अपनी वेंटिलेशन वगैरह दे सकते हैं, गेट वगैरह दे सकते हैं। तो हमारा फ्रंट दोस्तों इस तरफ है, स्ट्रीट इस साइड से हमारी आ रही है, तो स्ट्रीट वाली साइड से दोस्तों इस तरफ से हम आएंगे तो इस जगह में एक मेन एंट्रेंस डोर होगा हमारा 3 फीट का। मेन एंट्रेंस डोर से दोस्तों एंटर होंगे तो एंटर होते ही हमारा एक छोटा सा लिविंग एरिया होगा, जहां पर आप अपने सोफे वगैरह रख सकते हैं और अपने टीवी वगैरह सेट कर सकते हैं और गेस्ट को यहीं पर बिठा सकते हैं। इसके डायमेंशंस है 8 फीट 4 इंचेस बाय 10 फीट, यानी कि 8 फीट 4 इंचेस इसकी चौड़ाई है और 10 फीट इसकी लंबाई है। इसी से दोस्तों आगे एंटर होंगे तो आगे चलते ही आपको यहाँ पर दोस्तों ये एक डाइनिंग एरिया मिलेगा, जिसके साइजेस हैं 11 फीट बाय 12 फीट, 11 फीट इसकी चौड़ाई है, 12 फीट लंबाई है। यहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ बैठकर टीवी देख सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा एरिया है, इजीली आप सब यहीं पर आ सकते हैं। इसी डाइनिंग एरिया में बिल्कुल सामने दोस्तों हमें स्टेयर्स मिलेंगी यहाँ पर। तो स्टेयर्स की जो एरिया है दोस्तों, साइजेस हैं इसकी 6.5 फीट बाय 10 फीट है, यानी कि 6.5 फीट उसकी चौड़ाई होगी और 10 फीट लंबाई होगी। इसी स्टेयर्स के नीचे दोस्तों आप अपना स्टोर वगैरह बना सकते हैं और इसके अलावा कुछ किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं उस एरिया को। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर रूम्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो ऊपर आपके अगेन दो रूम्स प्लस एक टेरेस आएगा, तो उस तक जाने के लिए यही स्टेयर्स यूज़ होंगे। दोस्तों वापस डाइनिंग एरिया में अगर हम आएँ तो इस तरफ आपको सामने ये जो डोर नज़र आ रहा है, ये हमारे मास्टर बेडरूम का है। इस डोर से एंटर होंगे, 3 फीट का डोर होगा, तो 12.5 फीट बाय 11 फीट का हमें मास्टर बेडरूम मिलेगा। दोस्तों 12.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 11 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों रूम में इंपॉर्टेंट है कि विंडो हो, तो हम अपने ईस्ट साइड पर स्ट्रीट वाली साइड पर एक विंडो देंगे ताकि रूम के अंदर हवा और रोशनी आती रहे। तो बाहर दोस्तों इस रूम से आएंगे दोबारा तो आपको बिल्कुल रूम के डोर के साथ लेफ्ट साइड पर आपको एक और डोर मिल रहा है, ये वाला। तो इस डोर के सेंटर होंगे तो हमें हमारा किचन मिलेगा, जिसके डायमेंशंस हैं 7 फीट बाय 8 फीट, यानी कि 7 फीट चौड़ाई है और 8 फीट लंबाई है। एक छोटे प्लॉट के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे साइज हैं, इसमें आपके चूल्हे, ओवन, अलमारियाँ, फ्रिज वगैरह बहुत ही ईजिली आ जाएगा। किचन के साथ ही किचन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों के, इसमें भी स्ट्रीट वाली साइड पर एक एग्जॉस्ट फैन या फिर विंडो लग जाएगी, जिससे किचन की स्मेल और स्मोक वगैरह बाहर जाती रहेगी, प्लस रोशनी भी किचन में आएगी। अब दोस्तों किचन के बिल्कुल साथ पीछे ही हमारे पास टॉयलेट है यहाँ पर, और टॉयलेट का जो डायमेंशंस हैं वो 7 फीट बाय 4 फीट है, 7 फीट दोस्तों की चौड़ाई और 4 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों टॉयलेट और बाथ दोनों अटैच ही हैं, एक साथ ही हैं। तो वापस डाइनिंग एरिया में आएँ तो अब बिल्कुल पीछे टॉयलेट के साथ ही यहाँ पर एक डोर होगा दोस्तों हमारे रूम 2 का। इधर से एंटर होंगे तो हमें 10 फुट 8 इंचेस बाय 10 फुट, यानी कि 10 फुट 8 इंच चौड़ाई और 10 फुट इसकी लंबाई होगी, रूम 2 मिलेगा, जिसमें अगेन आपके बेड्स, अलमारियाँ वगैरह बहुत ही इजीली आ जाएंगे। तो दो रूम्स का ये नक्शा है, दो रूम्स टोटल इस नक्शे में पूरे होंगे। स्टेयर्स अंदर की तरफ होगी, बाकी सारी डिटेल्स दोस्तों इसकी डिस्कस हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नक्शा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको भी कोई नक्शा बनवाना है तो आप कमेंट्स में सजेशन लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग सा नक्शा शेयर कर लूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।